जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज है 21 अगस्त बुधवार। मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मुझे इन्वेस्ट करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गया है और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी डेली अपडेट्स शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। अभी मार्केट खुल रखी है और अभी आज के दिन मार्केट न्यूट्रल चल रही है। शाम तक पता चल जाएगा हमको कल कितना रिटर्न मिलने वाला है। हमारा कल का रिटर्न हम देखते हैं कितना मिला है। मेरे को कल वनडे का रिटर्न है 6092 रुपया, जो कि 0.67% बनता है। मैंने इसमें टोटल 5,22,888 रुपया इन्वेस्ट किया है और मेरी इसकी अभी पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है 9,16,663 रुपया और मुझे टोटल रिटर्न मिला है 75%, जो कि 3,93,775 रुपया है। मुझे इसमें एक दिन का टाटा स्मॉल कैप में रिटर्न मिला है 2,695 रुपया और कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड में मिला है 1,574 रुपया और पराग पारिक में 1,392 और मीरा एसेट में 487 रुपया और ICICI प्रूडेंशियल नार्टेक इंडेक्स में 58 रुपया निगेटिव रिटर्न मिला है। और इसमें मुझे टाटा स्मॉल कैप में टोटल तकरीबन 90% रिटर्न मिला है, जो कि अभी तकरीबन डबल ही पकड़ लो, 1,40,144 रुपये और कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड में 80%, जो कि 1,18,078 रुपया है। पराग पारिक में टोटल 63% रिटर्न है, जो कि 95,713 रुपया। मेरे एसेट में 70%, जो कि 38,356 रुपये और ICICI में 11%, जो कि 1,486 रुपया है। और सब्सक्राइबर की क्वेरी है वो हम देखते हैं। ये शाहिद भाई पूछ रहे हैं, भाई पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 की SIP चालू है, जो कि 1 साल हो गया उसको और मेरे पास अभी 10,000 रुपये मंथली है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ या दूसरे को ले सकता हूँ? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 की SIP कर लो और कोई मिड कैप में 3,000 और एक स्मॉल कैप में 3,000, तीन फंड के साथ आप 10,000 की SIP कर सकते हो। और एक SPD भाई है, ये बोल रहे सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। उनके पोर्टफोलियो में JM फ्लेक्सी कैप है 4,000, क्वांट लार्ज एंड मिड 4,000, टाटा स्मॉल कैप 4,000, मोतीलाल मिड कैप 4,000 और SBI कॉन्ट्रा 4,000, तो इनका टोटल 20,000 का SIP है। तो आप 20,000 के लिए 5 फंड के साथ जा सकते हो, ये अच्छे फंड है, इसके साथ कंटिन्यू रह सकते हो। सर जी आप SBI PSU कैसे रहेगा प्लीज टेल मी। सर ये SBI PSU मतलब ये सेक्टरल फंड है, मुझे ये सेक्टरल फंड अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है, जो कि मार्केट वो अब जा रही है लेकिन सेक्टर वही का वही है, तो ये 2-3 साल तक भी हो सकता है, इसलिए मेरे को सेक्टर फंड बहुत रिस्की लगते हैं। ये फंड अपने को तब लेने चाहिए जब अपने कन्वेंशन हो अपने को कि अभी वो सेक्टर भागने वाला है, तब आप वो कुछ समय के लिए ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वही नॉर्मली हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप सेक्टर फंड को अवॉइड कीजिए और नॉर्मल जो भी फंड है उसके साथ चल सकते हो। अगर किसी भाई की कुछ क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपका कल के वीडियो में हम कमेंट का जवाब दे देंगे। थैंक यू।